नमस्कार, डीएनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ शिवांगी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इसी शराबबंदी कानून को लेकर अक्सर बड़े बयान देने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर एक बयान दे दिया है। बता दें कि उन्होंने बिहार के अधिकारियों पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन इसके जद में कौन लोग आ रहे हैं? इसके जद में वही लोग आ रहे हैं जो यदा कदा पीते हैं। गरीब लोग आते हैं, वो कभी कभी पीते हैं और रास्ते पर चलने लगते हैं। वो कहीं छुप भी नहीं सकते और पुलिस उन्हें ही गिरफ्तार कर लेती है। तो कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी फिर से अधिकारियों को इस बार कटघरे में खड़ा किया है, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से ही एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर समीक्षा करने की बात कही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं जीतनराम मांझी, आप खुश सुनिए। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। देखिए, यही आप लोगों का गलत कंसेप्ट है। हम शराबबंदी का खिलाफ कभी नहीं किया है। हम तो कहा है कि हम उस घर में पैदा हुए हैं जहाँ शराब बनती थी। शराब माता पिता दोनों पीते थे और हम आज 79 वर्ष 79 ईयर्स हमारा चल रहा है। हम अपने होठ पर एक बूंद भी शराब नहीं रखा है। तो इसका मतलब क्या है? हम यही बतलाना चाहते हैं समाज को कि शराब पीना बहुत चीज ठीक नहीं है। शराब का बिजनेस गरीब तबके के लोग करते हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए शराबबंदी कानून सर्वसम्मत से हुआ था। हम भी उस असेंबली में थे, साथ दिया था। लेकिन हम विरोध क्या करते हैं? हम विरोध ये करते हैं कि जो शराबबंदी का अनुपालन एजेंसी है, चाहे वो पुलिस प्रशासन रहे चाहे सिविल प्रशासन रहे, वो कड़ाई होने पर जब या फाइनेंशियल लाभ के नाम पर जो बड़े बड़े उसमें तस्कर हैं उसको लोग छोड़ दे रहे हैं, या बड़े बड़े लोग जो पीने वाले लोग हैं उनको छोड़ दे रहा है, और कोटा पुराने के लिए गरीब आदमी जो इस्तफाकन कभी सेवन कर करके जाता है उसकी तो झोपड़ी है, वो तो कहीं छिप नहीं सकता है। रास्ते में जाता है, उसको पकड़ता है, ब्रेक एनालाइजर लगाता है और उसको जेल भेज देता है। आज 5 लाख केसेस लगभग हैं, उसमें हम समझते हैं 3 लाख केसेस ऐसे ही गरीब के लोग पर है और उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, वो जेल में हैं या केस मुकदमा लड़ रहे हैं। इसके खिलाफत हैं और इसके लिए हम बार बार उनको कहते रहे तो हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि मेरे कहने पर दो समीक्षा, तो क्या समीक्षा कर करके यहाँ तक आया कि साहब जो पीते हुए थोड़ा पाया जाएगा उसको हम जेल नहीं भेजेंगे, हम उसे दंड जुर्माना लेकर के छोड़ देंगे। एक रिलैक्सेशन हुआ। लेकिन अब मेरा कहना उनको है कि सर्वदलीय, और पहले भी बोलते थे कि अगर इसके चलते कोई घटना होती है, ये तो दुर्घटना है, अगर वो पीता है तो थोड़ी जानता है कि हमको विष पिला रहा है, ये तो बनाने वाले की गलती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।